वाड़ी क्षेत्र को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के वेना से जलापूर्ति की जाती है, लेकिन एक साल से वाड़ी के लेक व्यू एनक्लेव सोसाइटी निवासी दूषित पानी पीने पर मजबूर है। गर्मी के दिनों में पानी की समस्या होती है, लेकिन वाड़ी में दूषित जल समस्या है। शुक्रवार को एनक्लेव सोसाइटी निवासियों ने नगर परिषद मुख्याधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख को ज्ञापन सौंपा। वहीं महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अभियंता मड़के को भी निवेदन देकर दूषित जल को शुद्ध करने को कहा गया। बताया गया कि दूषित जलापूर्ति होने से स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हो रहा है। बच्चों को पेट की बीमारी से जूझना पड़ रहा है। बीते साल भर से दूषित जलापूर्ति से नागरिक परेशान है, लेकिन विभाग ने इस समस्या पर अनदेखी कर बताया कि वाड़ी के अम्बेडकर नगर लेक व्यू एनक्लेव सोसाइटी के लिए नई जलापूर्ति लाइन बिछाने के बाद भी आज भी पुरानी जलापूर्ति लाइन से जलापूर्ति हो रही है। आखिर नई पाइपलाइन को शुरू क्यों नहीं किया गया, यह सवाल उठ रहे हैं। अम्बेडकर नगर में बने पानी की टंकी के पास ही बड़ा लीकेज होने के कारण दूषित जलापूर्ति होने की जानकारी अभियंता राजेंद्र मड़के ने दी। बताया कि जल्द से जल्द उसे सुधारने का कार्य शुरू है। चार दिन में दूषित जल समस्या को हल करने का आश्वासन मड़के ने दिया। नगर परिषद मुख्याधिकारी ने बताया कि दूषित जल समस्या गंभीर है। MJP द्वारा जलापूर्ति हो रही है। MJP को पत्र देकर समस्या को हल करने के लिए बोला जाएगा। MJP व वाड़ी नगर परिषद ने दूषित जल समस्या को हल नहीं करने पर नगर परिषद कार्यालय के सामने सभी एनक्लेव सोसाइटी निवासी धरना आंदोलन करने की चेतावनी। मोहित अग्रवाल, सतपाल वीज, राहुल अग्रवाल और सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट सहित सोसाइटी के महिलाओं ने दी है। हम लोग लेक व्यू एनक्लेव सोसाइटी में वाड़ी में रहते हैं, जो कि एक साल से पानी की समस्या से जूझ रहा है, जो कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा आता है और जो पीने योग्य नहीं है। पानी एकदम पीला मटमैला होता है, जिससे नल जाम हो जाता, फिल्टर खराब हो जाते और सबसे ज़्यादा जो छोटे छोटे बच्चे, उनकी रोज ही तबीयत खराब रहती और उनको बहुत उल्टी और पेट दस्त होने चालू हो गए हैं। तो हम लोग बार बार नगर निगम में जा कर के, नगर परिषद में जा कर के शिकायत कर रहे हैं कि इसको ठीक करवा दिया जाए। हमको हर बार आश्वासन ही मिल रहा है कि हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन अभी तक इतने दिनों में काम नहीं हो पाया। हमने इनको 3-4 बार लिखित पत्र भी दिया, उसके बाद भी केवल आश्वासन ही मिल रहा है, काम नहीं। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।